कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायन रूपों जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी एवं टप्पा से संबंधित जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के इस भाग में हम भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। चंडीदास राधाकृष्ण लीला से जुड़े साहित्य के आदिकवि माने जाते हैं। बंगाली वैष्णव समाज में इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। चंडीदास को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्विज चंडीदास, दीन चंडीदास आदि। कीर्तन करने वाले लोग इनकी पदावलियां गाया करते थे। सन 1916 तक चंडीदास को लेकर कोई विशेष मतभेद नहीं था। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं था कि चंडीदास नामक व्यक्ति एक हैं अथवा दो, क्योंकि इसके पूर्व ही इनके पदों का आधुनिक संग्रह महाजन पदावली के नाम से जगतबंधु भद्र द्वारा प्रकाशित करवाया जा चुका था। किंतु सन 1916 के बाद बसंत रंजन राय द्वारा संपादित श्री कृष्ण कीर्तन के प्रकाशन के बाद दोनों ग्रंथों की भाषा वर्ण विषय के अंतर से यह ज्यादा संभावित लगने लगा कि चंडीदास नामक एक से अधिक व्यक्ति थे। चैतन्य देव के पूर्ववर्ती एक चंडीदास थे। चैतन्य चरितामृत में यह वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु चंडीदास एवं जयदेव की रचनाएं सुनते थे। नरहरिदास और वैष्णवदास के पदों में भी इनका उल्लेख होता है। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे एक महान सूफी संत, कवि फारसी एवं हिंदवी के, लेखक, साहित्यकार, निष्ठावान राजनीतिज्ञ, भाषाविद, इतिहासकार, संगीत शास्त्री, संगीतकार, गीतकार, गायक, दार्शनिक एवं वीर योद्धा थे। मात्र 17 वर्ष की आयु में वे उत्कृष्ट कवि के रूप में दिल्ली के साहित्यिक वातावरण में छा गए थे। उनकी इस अद्भुत काव्य प्रतिभा पर गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी फक्र था। अमीर खुसरो दहलवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में सन 1254 में हुआ था, ऐसी मान्यता है। खुसरो की मां को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। कुछ विद्वानों का मत है कि बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की वे लड़की थी, और कुछ विद्वान उन्हें बलबन के ही युद्ध मंत्री रावत अर्ज की पुत्री बताते हैं। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। संगीत के क्षेत्र में खुसरो का योगदान अविस्मरणीय है। सितार, ढोलक और तबला के वे आविष्कारक माने जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में तराना का आविष्कार भी खुसरो ने ही किया, ऐसा माना जाता है। खुसरो ने ईरानी और हिंदुस्तानी रागों के मिश्रण से कई रागों की रचना की। उनके कई सांगीतिक शिष्य भी थे। ख्याल गायन शैली को भी उन्होंने स्थापित किया। पूर्व प्रचलित
कव्वाली और गजल गायन को उन्होंने नया अंदाज दिया, ऐसा माना जाता है। अमीर खुसरो का महत्व महज इसलिए नहीं है कि वे आधुनिक खड़ी बोली के प्रणेता थे, फारसी तुर्की भाषाओं के विद्वान थे, या गजल कव्वाली या हिंदुस्तानी संगीत के प्रवर्तक थे, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वे राष्ट्रीय एकता के प्रबल पक्षधर भी थे। स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में हुआ था। राधा कृष्ण भक्ति में डूबे स्वामी हरिदास जी में संगीत की अपूर्व प्रतिभा थी। इस तरह वे भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार, कृष्णोपासक एवं सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके शिष्य थे। अकबर के समय में संगीत कला कोविद माने जाते थे। इनके दर्शन करने स्वयं अकबर वृंदावन गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी के महान गायक तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ का जन्म 1542 में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनकी संगीत में रुचि थी। मध्य प्रदेश के चंदेरी स्थान से बैजनाथ का संबंध रहा है। बैजनाथ को बचपन में लोग बैजू कहकर पुकारते थे। अकबर के काल में बैजू बावरा की संगीत साधना चरमोत्कर्ष पर थी। बैजू बावरा के जीवन के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। ऐतिहासिक रूप से किसी भी मत की पूरी तरह पुष्टि नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने दरबार में एक संगीत प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन से जो भी सांगीतिक मुकाबला कर जीतेगा वह दरबारी संगीतकार होगा, हारने पर मृत्युदंड को प्राप्त करेगा। बैजू ने यह चुनौती स्वीकार की थी। हालांकि वे प्रतियोगिता में पराजित हुए थे, किंतु अकबर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दरबार में रखा था। वे अकबर के दरबार से ग्वालियर आ गए थे। कुछ एक मत यह भी कहते हैं कि ग्वालियर के राजा मानसिंह के वे दरबारी गायक थे। विद्वान बैजू बावरा को स्वामी हरिदास का शिष्य भी मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते। उनका मत है कि उन्होंने कुछ चीज़ें हरिदास से सीखी जरूर थीं, लेकिन वे स्वामी हरिदास के विधिवत शिष्य नहीं थे। मंगल गुजरी तथा गुजरी तोड़ी आदि रागों की रचना बैजू बावरा ने की थी, ऐसा माना जाता है। तानसेन या मियां तानसेन या रामतनु पांडे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक महान गायक थे। श्री मकरंद पांडे के यहाँ तानसेन का जन्म प्रसिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के वरदान स्वरूप हुआ था। सन 1486 में तन्ना उर्फ तनसुख उर्फ त्रिलोचन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तानसेन के नाम से विख्यात हुए। तानसेन की संगीत शिक्षा राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर में रचित श्रेष्ठ सांगीतिक वातावरण में हुई। राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमजीत से ग्वालियर का राज्याधिकार छिन गया। तब तानसेन वृंदावन चले गए और उन्होंने स्वामी हरिदास से संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। शेरशाह सूरी के पुत्र दौलत खां एवं रीवा के राजा रामचंद्र के वे दरबारी गायक रहे। बाद में सम्राट अकबर ने उनके गायन की प्रशंसा सुनकर उन्हें दरबार में बुलाया और 9 रत्नों में स्थान दिया। तानसेन के 3 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्त्रोत। ध्रुपद गायकी के वे शीर्ष गायक थे। अबुल फजल ने आईना एक अकबरी में लिखा है कि अकबर ने जब पहली बार तानसेन का गाना सुना तो प्रसन्न होकर उस समय 2 लाख टके पुरस्कार में दिए थे। तानसेन के पुत्रों एवं शिष्यों के द्वारा हिंदुस्तानी संगीत की बड़ी उन्नति हुई। तानसेन ध्रुपद शैली के अतिरिक्त ब्रज की कीर्तन पद्धति एवं ईरानी संगीत की मुकाम पद्धति से भी परिचित थे। इन सब के समन्वय से उन्होंने
नए रागों का आविष्कार किया, जिनमें मियाँ की मल्हार विशेष प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त दरबारी कान्हड़ा और मियाँ की तोड़ी भी विशेष उल्लेखनीय है। अपने गायन के लिए स्वयं कई ध्रुपदों की रचना उन्होंने की थी। तानसेन की श्रेष्ठ गायकी से जुड़े कई प्रसंग आश्चर्यचकित करने वाले हैं। तंजावुर जिले के तिरुवरूर में सन 1767 को सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुए थे त्यागराज। त्यागराज प्रकांड विद्वान, भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। त्यागराज के लिए संगीत ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग था। त्यागराज ने मुत्तुस्वामी दीक्षितार एवं श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत को नई दिशा दी। त्यागराज की संगीत प्रतिभा से तंजावुर नरेश काफी प्रभावित थे और उन्हें दरबार में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, किंतु ईश्वर आराधना में डूबे त्यागराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सैकड़ों गीतों के अलावा उन्होंने उत्सव संप्रदाय कीर्तनम और दिव्य नाम कीर्तनम की रचनाएं की। अधिकतर गीत तेलुगु में हैं और कुछ संस्कृत में। उन्हें सिर्फ संगीत एवं भक्ति से लगाव था। इन संगीताचार्यों के अतिरिक्त औरंगजेब के शासनकाल में जन्मे भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण आचार्य सदारंग का उल्लेख भी आवश्यक है। सदारंग ने मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल तक संगीत साधना करते हुए ध्रुपद के साथ ही साथ ख्याल शैली को भी प्रतिष्ठित किया। सन 1733 में जन्मे प्रसिद्ध सितार वादक रहीम सेन का संबंध सेनिया घराने से है। ध्रुपद, वीणा एवं ख्याल का समन्वय इनके द्वारा किया गया। उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को आज भी श्रेष्ठ संगीतकारों ने न केवल जीवित रखा है, बल्कि देश विदेश में श्रेष्ठ श्रोताओं को आकर्षित कर भारतीय संस्कृति एवं संगीत की प्रसिद्ध और समृद्ध परंपरा से परिचित करवाने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। वीणा, सितार, इसराज, सरोद, सारंगी, बांसुरी, शहनाई, मृदंग, पखावज, तबला, संतूर आदि ढेरों वाद्यों के वादन द्वारा वादक कलाकार भी शास्त्रीय संगीत का परचम देश विदेश में फहराते रहे हैं। सब बन अम्बु